हमारे साथ खास मेहमान है अनुमिता रॉय चौधरी, कार्यकारी निदेशक सीएससी के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। मैम, आज ऑड इवन लागू हो गया, एक तरह से उसका ऐलान हो गया है, दिवाली के बाद लागू होगा। ये कदम कितना कारगर है, क्या ये कदम पहले उठा लेने चाहिए थे? देखिए, अभी जो हालात है जिसको हम एयर इमरजेंसी मानते हैं, तो इस वक्त तो इमरजेंसी एक्शन ही हम ले सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि टेम्पररी और काफी हार्ड एक्शन हो, ताकि अभी जो प्रदूषण बाहर थमा हुआ, क्योंकि हवा नहीं है शहर में, और जो कूल काम कंडीशन के लिए जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, अभी हम सिर्फ यही कर सकते हैं ये इमरजेंसी एक्शन के जरिए कि और भी पोल्यूशन की लोडिंग ना करें। और ये जो इमरजेंसी एक्शन की बात हो रही है कि ऑड एंड इवन हो, या ट्रक पर रोक लगाएं, या कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाएं, ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि आपने किया और हवा साफ हो गई। हवा साफ नहीं होगी, पर जो इसके कारण जो होने वाला है वो है कि जब सांस लेना इतना जो इतना प्रॉब्लम है अभी, तो उस वक्त हमें यही देखना है कि इस तरीके से कदम लेके हम और भी प्रदूषण को ना जोड़ें, तो यही मकसद। अब बात है कि इनके इम्प्लीमेंटेशन का, कि कितना वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी, कितना एनफोर्समेंट और कितना स्ट्रिक्टनेस स्ट्रिंजेंसी साथ ये इसको एनफोर्स कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी एक्शन कन्वीनियंट नहीं होता है। इसमें लोगों को दिक्कतें आएंगी, जरूर आएंगी, पर देखिए, दिक्कतें तो हमें झेलनी पड़ेगी। अगर साल भर जो काम हमें करना था, जिससे पूरा प्रदूषण की मात्रा को जो हमें कम करना था, वो तो हम नहीं कर पाए, और जब ये आपातकालीन स्थिति बनती है, जब लोकल लेवल की जो बेसलाइन पोल्यूशन है वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और जब और उसके ऊपर जब ये मौसम बिगड़ती है, एकदम से तेजी से प्रदूषण बढ़ता है। हम तो चौकन्ने थे जब नवंबर 2 को जब ये पहला माहौल शुरू हुआ, कि 24 घंटे अंदर 68% तक प्रदूषण बढ़ गई थी, और जो लगातार ये जो 300 AQI के ऊपर जो चल रहा है, 2020 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले उसके पहले हमने थोड़ा देखा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे एक इतना तो पता चलता है कि जितना काम करना चाहिए था हमें, हमने नहीं किया, और यही कारण है जो हम आज देख रहे हैं। जी अनुमिता जी, एक और सवाल, जो ग्रैप है, वो ग्रैप 4 अभी लागू हुआ है, क्या ये समय आ गया है? पहले तो मैं आपसे, क्या उसकी उनकी दोबारा समीक्षा हो, और क्या कारण आप देख रही हैं जो दिल्ली को सबसे ज़्यादा इस समय जो चीज़ें हैं वो पल्यूट कर रही हैं? दिल्ली हमारे NCR तमाम, आप देख लें इलाकों को, तो वो भी, और क्या ग्रैप को दोबारा अब समीक्षा करनी चाहिए कि अब दोबारा इनको पहले लागू करें, या कैसे लागू करें? देखिए, इस बार जो हम देख रहे हैं ग्रैप, वो हालात बिगड़ने के बाद उसके बाद ये ग्रैप के मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, पर ये तो प्रिवेंटिव होना चाहिए था। आपको पहले से कदम लेके देखना चाहिए था कि हम प्रदूषण को कैसे रोकें, कि अगर मौसम बिगड़ने वाला है तो इतना ज्यादा और इतनी तेजी रफ्तार से प्रदूषण ना बढ़े। तो एक तो ये हमें जरूर देखना है, और ये हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी दिल्ली में जो फोरकास्टिंग का जो सुविधा है वो मौजूद है, कि हम फोरकास्ट करके बता सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में कैसा मौसम होगा, प्रदूषण कितना बढ़ने वाला है। तो ये जरूर है कि हमें ग्रैप की इम्प्लीमेंटेशन और भी जल्दी करनी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। अभी जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी हर घंटा वो एस्टिमेट करके बताते हैं अपने वेबसाइट में कि डिफरेंट पोल्यूशन सोर्सेस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे आज जब हमने अभी देखा, या जो यस्टरडे हमने देखा, तो कि अभी दिल्ली में एक तो है पराली का कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी वो सबसे ज्यादा है, और बाहर से जो प्रदूषण आ रहा है वो सबसे ज्यादा है। पर अगर आप दिल्ली की अपनी और दिल्ली के बाहर के प्रदूषण को लेके, तो व्हीकल्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो अभी तीसरे दर्जे पे है। और अगर आप सिर्फ दिल्ली की सिर्फ अपनी जो सोर्सेस अगर उसकी रैंकिंग करेंगे, तो व्हीकल्स टॉप में है आज, अबाउट 52% आज के दिन जो वाहनों से जो प्रदूषण हो रहा है वो आ रहा है हमारे सामने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम इमरजेंसी एक्शन ले रहे हैं, तो गाड़ियों को हम इमरजेंसी एक्शन के बाहर नहीं रख सकते। तो और यही कारण है जो ऑड एंड इवन के बारे में चर्चा हो रहा है,
पर अभी हमें देखना है कि ऑड एंड इवन को वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, बिल्कुल, कितना और छूट देने वाले हैं। जी बिल्कुल कैसे लागू करेंगे ये बहुत अहम रहेगा। पहले ग्रैप्स को लागू कर लेना चाहिए था स्टेज 4 को। संक्षेप में आप ये बताइए कि क्या किया जा सकता है कि ये पोल्यूशन, इस पे थोड़ी सी लगाम लगे या कुछ राहत मिले लोगों को, निवासियों को। देखिए, कम समय में तो हम बहुत कम ही कर पाएंगे, क्योंकि अगर अभी हम जो जो प्रदूषण बाहर आ चुकी है और थमी पड़ी हुई है, वो तो जब हवा आएगी उड़ा के ले जाएगी तभी ये हल्का होगा। पर तब तक हमें इतना ही देखना होगा कि हम और भी प्रदूषण ना जोड़े, और उसके लिए तो इमरजेंसी एक्शन जो लिए जा रहे हैं, जो फिजिबली हम कर सकते हैं, वो तो हो रहा है। पर फिर भी हमें सबको ध्यान देना होगा, इमरजेंसी एक्शन से कोई समाधान नहीं है, और साल भर का जो एक्शन हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम के लेवल पे, उसको हमें बहुत तेजी से बढ़ाना है। बिल्कुल अनुमिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में हवाओं का इंतज़ार है कि कुछ चले तो राहत दिल्ली वासियों को मिले।